शादी से पूर्व दिल्ली से ऋषिकेश फोटोशूट के लिए आना एक युगल को भारी पड़ गया। जी हां, अचानक से फोटोशूट के दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से दोनों बहने लगे। वो तो गनीमत रही कि राफ्टिंग और कैंप संचालकों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने राफ्ट की मदद से दोनों को बचा लिया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी 27 वर्षीय मानस खेड़ा और अंजलि प्री वेडिंग शूट के लिए ऋषिकेश आए थे। दोनों ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सिंगटाली पुल पर फोटो शूट करा रहे थे। फोटोग्राफर ने तस्वीर लेने के लिए उन्हें नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा दिया। इसी बीच अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा, जिससे दोनों युगल नदी में फंस गए। देखते ही देखते कुछ ही समय में पानी पत्थर के ऊपर से बहने लगा, जिससे युगल मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। पास में ही मौजूद राफ्टिंग और कैंप संचालक मनीष रावत, जब्बा रावत और जयवीर रावत इत्यादि ने यह नजारा देखा तो तुरंत राफ्ट लेकर मौके पर पहुंच गए और रस्सी की मदद से युगल को राफ्ट तक लाने का प्रयास किया। साथ ही नजदीक में दुकान चलाने वाले विनोद चौहान और गणेश मेठाणी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए आगे आए, लेकिन नदी का जल स्तर था कि बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच मानो युगल की सांसें थम सी गई हो। राफ्ट संचालकों के कई प्रयासों के बाद भी युगल रस्सी नहीं पकड़ पा रहे थे। इस बीच पानी के बहाव से युगल का हाथ एक दूसरे से छूट गया और दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। राफ्ट सवार युवकों ने किसी तरह अंजलि को तो राफ्ट में खींच लिया, लेकिन मानस जो है 500 मीटर तक बहता चला गया। हालांकि युवकों ने भी हार नहीं मानी और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद युवक को भी राफ्ट में लेकर आए, लेकिन तब तक मानस के पेट में काफी पानी जा चुका था, जिससे वह बेहोश हो गया। इस बीच SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। SDRF के जवानों और राफ्ट संचालकों द्वारा मानस को CPR दी गई, तब जाकर बमुश्किल युवक को सांस लौटी। इसके बाद जो है SDRF टीम द्वारा युवक को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं और वे SDRF टीम के साथ साथ राफ्टिंग टीम का भी धन्यवाद अदा करते नहीं थके। सरकार द्वारा राफ्ट और कैंप संचालक को इस साहसिक कार्य के लिए अवश्य सम्मानित करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक युगल को नई जिंदगी दी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।